अभी हमारे साथ तीन शख्स ऐसे हैं जो अभी झारखंड से अयोध्या राम मंदिर पैदल यात्रा कर रहे हैं। क्या नाम होगा सर? संजय अग्रवाल। क्या नाम होगा सर? नंद किशोर शाह। पवन कुमार शाह। पवन कुमार शाह। कब से निकले हैं झारखंड से? चलते रहिए। 29 दिसंबर से लगातार पैदल यात्रा ही कर रहे हैं। 30 किलोमीटर पर डे चलते हैं हम लोग। कितना? 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर डे चलते हैं। अच्छा, रुकने का सर क्या कुछ व्यवस्था? कैसे चलते रहते हैं जहाँ मिले? सुबह 7 बजे निकलते हैं और शाम को 5 बजे हम लोग कोई ठाकुर बाड़ी नहीं तो कोई राम भक्त मिल जाता है। हाँ। और नहीं तो ऐसे कुछ भी होटल लेके हम लोग सो जाते हैं उधर ही देख के सो जाते हैं। अच्छा, पहले तो राम जी के 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम होने वाला है, क्या कहिएगा उसको लेकर? कितने उत्सुक हैं? उत्सुक तो बहुत हैं हम लोग। 500 साल से हमारा राम मंदिर लुप्त था। हाँ। और 500 साल के बाद हमारा पीढ़ी देख पा रहा है। हम लोग का जनरेशन देख पा रहा है। हम लोग के लिए गर्व की बात है। चाहेंगे पहले जय श्री राम एक बार नारा लग जाना। जय श्री राम। अच्छा ये बताइए कि लगातार पैदल यात्रा क्या मन में आया कि पैदल यात्रा आपने शुरू कर दिया? आप 9 युवक हैं अभी। नहीं, हम सब मन और राम जी हम लोग को बुलाए उसमें हम लोग पैदल जा रहे हैं। अच्छा, राम जी बुलाए आप पैदल जा रहे हैं जी। आपका क्या नाम है? कितना उम्र है? थोड़ा पास जाइए। कितना उम्र है? 17 साल जी। अच्छा, पढ़ाई की उम्र में अभी पढ़ाई करने की उम्र 10th हो गया कि नहीं हुआ है? जी, टेंथ में। टेंथ हो गया। अच्छा, क्या सोच के पैदल यात्रा शुरू कर रहे हैं? अभी पढ़ाई लिखने करने की उम्र है, 500 वर्षों बाद हमारा राम मंदिर बन रहा है, पढ़ाई तो अभी चलेगा। बस यहाँ पे जो जा रहे राम मंदिर दर्शन करने राम जी का। हाँ। अभी 500 वर्षों बाद बना है इसीलिए। 5 वर्ष बना है इसीलिए। सर 5 मिनट रुक जाइए ना। राम जी को लेकर से थोड़ा आ जाइए। पूरी 500 साल लगा है आपकी पीढ़ियां जो थी पुरानी, जो पूर्वज थे, लगातार संघर्ष किए हैं राम जी के लिए। आज अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, क्या कहिएगा उसको लेकर? उसके लिए हमारी सनातन के लिए गर्व की बात है। हाँ। कि 500 साल के बाद बन रहा है राम मंदिर। हाँ। मोदी जी के राज में, मोदी जी के आवाज में और योगी जी के राज में, इन लोग के लिए धन्यवाद। हमारे जितने हिंदू सनातन है वो हम लोग के लिए जागे। हम लोग का तीनों का उद्देश्य है कि हिंदू जागरण, हिंदू जागे, हिंदू जागे। अच्छा, अभी राम मंदिर पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ है, पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो रहा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम रखा गया है, तो चारों शंकराचार्य हैं, चारों नाराज लग रहे हैं। क्या जरूरी था 22 तारीख को कि पूरा मंदिर बन जाना चाहिए तो उसके बाद ही? नहीं, जैसे सबका सहयोग से ही प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, ये तो है। पर आपको थोड़ा इधर आ जाइए, गाड़ी चल रही है। पर आपको नहीं लगता कि जो 22 तारीख को कार्यक्रम रखा गया है, जब राम मंदिर पूर्ण रूप से बन जाना चाहिए था, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठान जो कार्यक्रम रखना चाहिए था? नहीं, वो चीज तो हम लोग तो पता नहीं ना, हम लोग उतना और किनारा जी देखिये यहाँ पर, ये देखिये तमाम लोग देख रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि राम मंदिर तो जा रहे हैं, घर से क्या कह के निकले हैं? घर से सब, घर के सब सारे लोग खुश है, गांव के समाज के लोग सब खुश भी है। हम लोग विधायक समारा भी निकला गया था उस दिन 29 दिसंबर को, सब खुशी के माहौल, बाजा बैंड बाजा के साथ हम लोग निकले थे, सब गांव के सब खुश भी थे। और ऐसे बिहार झारखंड में सब खुशी की बात ही है। और हम लोग निकले हैं तो सब जगह स्वागत भी हो रहा है, लखीसराय में, पटना में, सब जगह स्वागत भी हम लोग का। चारों लोग रिलेशन में लगते हैं कैसे? नहीं, हम दोनों चचेरे भाई हैं। अच्छा, और चाचा आप? हम गांव के हैं। अच्छा, गांव के हैं। लग रहा है कभी बुजुर्ग हो गए हैं। पैदल यात्रा क्या सोच के? राष्ट्र जागरण, धर्म जागरण। धर्म जागरण, राष्ट्र के प्रति युवाओं में रुझान बढ़े। हाँ। अच्छा, मोदी जी का कार्यकाल कैसे देखते हैं? जिस तरह से बीजेपी सरकार बनी, फिर जो राम मंदिर का केस था वो जीती, कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा। मोदी जी का आदर वर्ल्ड में हो रहा है, भारत का आदर, मोदी जी की देन है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जो राम मंदिर बन रहा है पूर्ण रूप से बन जाना चाहिए था, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठान का जो कार्यक्रम था उसको रखना चाहिए था, क्योंकि जो चारे शंकराचार्य हैं वो ये बात को कह रहे हैं? हो सकता है उनको निमंत्रण पत्र नहीं मिला हो, इसलिए नाखुश होकर ये सब वक्तव्य दे रहे हैं। ये जो कार्य की रखी पत्र दिया गया है वो सनातन धर्म के चारों शंकराचार्य हैं, वो बेसी आदर खातिर चाह रहे थे। काफी बड़ा वर्ल्ड है, काफी बड़ा भारत है, इसमें साधु महात्माओं की काफी संख्या है। जो भी ये दिन रखा है, तारीख रखा है,
ज्योतिषाचार्य शंकराचार्य साधु महंत में नहीं रखा है, आम पब्लिक ने तो रखा नहीं है। जो शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं शायद मेरे ख्याल से उनको निमंत्रण पत्र नहीं मिला, इसलिए चाहे हो सकता है वो लोग कांग्रेसी प्रवृत्ति के हों इसीलिए विरोध कर रहे हैं। विरोध कर रहे हैं पर उनका एक तरह से मानना भी तो सही है कि जब राम मंदिर पूर्ण रूप से बन जाना चाहिए था उसके बाद प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम रखा जाता अच्छा होता, ये चुनाव के कारण ही ये सारी चीजें की जा रही जल्दी जल्दी। वो सब विपक्ष का है, वो प्रोपेगेंडा है। गर्भगृह तो निर्माण हो चुका है, साइड में निर्माण होता रहता है। कोई भी व्यक्ति मकान बनाता है, मकान में गृह प्रवेश कर लेता है, उसके बाद अपना पार्किंग टार्किंग सजाते रहता है, ये तो परंपरा लगी हुई है। अच्छा, बुजुर्ग हैं दो आपके साथ, दो आपके गांव के दो नौ युवक हैं, ये भी साथ में जा रहे हैं, लगातार पैदल यात्रा कर रहे हैं, क्या कहिए कि दिमाग में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है, ईश्वर का शरण में जाना है, मुक्ति धाम पहुंचना है, और क्या है, बस इतना ही और क्या। अच्छा, वहां पर यह भी कहा जा रहा है कि जैसे बिहार से झारखंड से लोग ना आए क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत ज्यादा है, क्या पता एंट्री मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। स्टेट का नाम नहीं लिया गया है, किसी प्रांत का नाम नहीं लिया गया है। मोदी जी योगी जी ने आह्वान किया है 22 के बाद आए, आराम से आए, व्यवस्था गड़बड़ ना हो, भीड़ हो जाएगी, व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, कम संख्या में पहुंचे, धीरे धीरे पहुंचे, दर्शन करें, किसी प्रांत का नाम नहीं लिया गया है। राम भक्ति में लीन है। लीन है, राम भक्ति में लीन। ये देखिए सर, राम भक्ति में लीन है। लीन तो है। एक बार कहेंगे जय श्री राम का नारा लग जाना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये देखिए, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलकर अच्छा लगा आप लोगों से।